हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्वेटर का नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं। ये स्वेटर का डिज़ाइन जो है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और डालने में भी बहुत आसान है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने 29 फंदे लिए हुए हैं और मैंने एक उल्टी साइड में लाइन बना के रखी हुई है और फिर सीधे की तरफ मैंने पहला फंदा जो है ऐसे बना लेना है, फिर धागा ऊपर किया और फिर ये जाली डल गई और फिर आगे के मैंने 5 फंदे ऐसे सीधे बनाने, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लिए और फिर ये मैंने बबल बनाना है। तो मैंने ये 3 फंदों का बनाना है, तो पहले ये बीच वाला फंदा मैंने इसे सीधा कर लिया और फिर 3 फंदों का मैंने 1 फंदा बनाना है। तो आप धागा ऐसे घुमाइएगा, ये आसानी से निकल जाएगा। ये 3 का 1 बना लिया, फिर इसी को इसी में डाल के ऐसे एक बार बना लेना और फिर इसको छोड़ना नहीं, फिर धागा ऊपर करके फिर इसको ऐसे बना लेना है। फिर धागा ऊपर करके ये 2 बार मैंने इसे धागा ऊपर करके घुमा के बनाया है। अब 1 के 5 फंदे बन गए। अब फिर मैंने इन 5ों का 1 फंदा बनाना है। तो पहले फंदे में से ये बाकी 4 फंदे जो हैं मैंने ऐसे निकाल देने हैं। ऐसे ऊपर से ऐसे निकाल देना है। ये फिर से 5 का 1 बना दिया और फिर ये ऐसे आगे 5 फंदे फिर सीधे बनाने, 1 2 3 4 और 1 5 फंदा हो गया। ये मैंने यहाँ तक डिजाइन कंप्लीट कर लिया। आगे मैंने ये धागा ऊपर किया और ये 1 फंदा बना लिया। फिर से जाली की यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब फिर आगे मैंने वैसे ये डिजाइन जो है रिपीट करना है। धागे आगे किया और फिर आगे के 5 फंदे मैंने इसे सीधे बनाने, 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 फंदे हो गए। फिर से मैंने ये वाला बबल बनाना है, ये दूसरे वाला। तो मैंने ये पहले 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो पहले बीच वाला फंदा जो मैंने ऐसे आगे कर लेना है। और फिर 3 फंदों का मैंने ऐसे 1 फंदा बनाना है। 3 का 1 बना लिया और फिर इसी में से डाल के ऐसे ये फंदा बना लेना है। फिर धागा ऊपर करके फिर 1 बार फंदा बनाया, फिर धागा ऊपर करके फिर 1 बार फंदा बनाया। अब ये 5 फंदे हो गए। अब फिर 5 का मैं 1 बनाऊंगी। ये पहले फंदे में से जो बाकी फंदे मैंने ऐसे निकाल लेने हैं। ये 4 फंदे पहले फंदे में से निकाल लेने हैं तो फिर 5 का 1 बन जाएगा। अब फिर से आगे के मैं 5 फंदे ऐसे सीधे बनाऊंगी। ये आगे कर लिया और 5 फंदे सीधे बना लिए, 2 3 4 और ये 5। फिर लास्ट में मैं जैसे मैंने शुरू में 1 फंदा बना के जाली डाली थी, फिर 1 फंदा बना एक जाली डाल के 1 फंदा बना लिया। ये हमारी फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में मैं सारी उल्टी बनाऊंगी। इसमें कुछ डिजाइन नहीं डालना है। ये सारी लाइन जो मैंने आगे तक ऐसे ही उल्टी बनानी है। हमारी उल्टी साइड से सेकंड रो जो है कंप्लीट हो गई।
अब हमारी थर्ड रो में ये पहला फंदा जो हमने ऐसे ले लिया, और फिर दूसरे में हमने जो जाली डाली थी वो भी सीधा बना लिया। फिर उसके बाद हमने जाली डालनी है। फिर आगे के ये जो हमने पांच फंदे बनाए थे, अब की बार हमने चार फंदे सीधे बनाने हैं। एक, दो, तीन और चार, चार फंदे सीधे बनाए। फिर हमने ये बीच वाला बबल वाला और साइड में एक एक फंदा, ये तीनों का एक बनाना है। पहले बीच वाला हम ऐसे सीधा कर लेते हैं, अब तीन का एक बना लिया। अब फिर इसका फिर मैंने पांच फंदे बनाने हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे बनाया, फिर धागा ऊपर किया, फिर एक बार ऐसे बनाया। ये हमने एक फंदे का पांच फंदे बना लिए। अब फिर से मैं इसका पांच का एक फंदा बना दूंगी। अब पहले फंदे में से ये बाकी चार फंदे जो ऐसे निकाल देने हैं, ऐसे निकाल लिए। फिर आगे के मैंने पांच फंदे, पहले पांच बनाए थे, अब की बार चार फंदे सीधे बनाने हैं। ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार फंदे मैंने सीधे बना लिए। और यहाँ अब जाली डाल ली, और ये बीच वाले जहाँ हमारी जाली डल रही है, यहाँ ये जाली डल रही है दोनों साइड में, हमारे यहाँ फंदे जो है बढ़ रहे हैं और यहाँ घट रहे हैं। तो ये हमारे पहले एक था, अब तीन फंदे हो गए, एक, दो, ये तीन। फिर से जाली डली और फिर से आगे के हमने पहले पांच बनाए थे सीधे, अब चार फंदे बनाने हैं, एक, दो, तीन और एक चार। ये बीच वाला फंदा जो है अब साइड में एक एक लेके इन तीनों का एक बनाएंगे। फिर इसी में से ऐसे इसको छोड़ना नहीं है, इसके अब हम पांच फंदे बनाएंगे। एक का पांच बना दिए, अब फिर से पांच का एक बनाएंगे। तो पहले फंदे में से पीछे वाले फंदों को ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल दिया। ऐसे फिर आगे के हमने चार फंदे सीधे बनाने, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाए। फिर इधर धागा ऊपर किया, जाली डल गई, और फिर ये दो फंदे हमने ऐसे सीधे बना लिए। ये अब हमारी थर्ड रो जो है कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो में हम सारी उल्टी ही बनाएंगे। हर एक बार हमने उल्टी लाइन में हमने सारी रो जो है उल्टी बनानी है। ये हमारी अब फोर्थ रो जो है उल्टी कंप्लीट हो गई। अब फिफ्थ रो में हम सीधी पे आएंगे। तो हमने ये पहला फंदा ऐसे ले लेना है, फिर दूसरा हमने ऐसे सीधा बनाना है, और तीसरा जो हमने पहले जाली डाली थी वो भी हमने ऐसे बना लेना है। ये तीन फंदे हो गए सीधे, और फिर हमने इधर जाली डालनी है। फिर आगे हमने फिर तीन फंदे जो हमने सीधे बना लेने, एक, दो और तीन, और ये अब चौथा फंदा सीधा जो है, और ये इस साइड सीधा फंदा, ये बीच वाला और बबल का जो फंदा है, इन तीनों का हम एक बनाएंगे। ये तीन का हमने एक बना दिया। फिर इस फंदे को हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने अब पांच बार पांच फंदे जो इसके बना देने, एक, दो, तीन, और ये इसमें दो जाली डल गई तो पांच फंदे हो गए, ये तीन, चार, पांच।
अब हमने इन पांच फंदों का फिर से एक बना देना है। तो पहले फंदे से हमने ऐसे एक एक करके निकाल देना है और फिर हमने आगे के तीन फंदे जो हमने ऐसे सीधे बना लिए, एक दो ये तीन, ये तीन फंदे सीधे बना लिए। फिर हमने इधर जाली डालनी है तीन के बाद, और फिर ये हमारे बीच में हम जो है हमारे ये फंदे बढ़ते जा रहे हैं ये जाली वाले, और इधर साइड में घटते जा रहे हैं, ये एक दो तीन चार ये पांच, ये हमारे जो पांच फंदे हो गए, पहले एक था फिर तीन हो गए फिर अब ऊपर पांच हो गए, फिर से हमने इधर जाली डाली और फिर आगे के हमने तीन फंदे जो हमने इसे सीधे बना लिए, एक दो तीन, फिर आगे के ये बीच वाला बबल का और साइड के हमने एक एक फंदे लेके इन तीनों का एक बना देना। ये तीन का एक किया, अब फिर एक के हमने पांच बनाने हैं। ये हमने पांच फंदे बना दिए, फिर हमने पांच के एक बना देना है। ये फिर से हमने पांच का एक बना दिया, फिर आगे के हमने तीन फंदे जो हमने फिर से सीधे बनाए, एक दो ये तीन, तीन फंदे बना लिए, फिर से हमने जाली और फिर आगे के हमने ये तीन फंदे ऐसे सीधे बना लिए। ये हमारे अब इधर जो हमारे फंदे हैं ये घटते जा रहे हैं, और इधर बीच में हमारी जहाँ जाली वाले हैं दोनों साइड वो बीच में हमारे फंदे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बीच में बढ़ते गए और इधर घटते गए। और उल्टी साइड में हमें ये सारी लाइन जो है उल्टी बना के दिखाती हूँ। ये हमारी सिक्स्थ रो जो है वो उल्टी कम्प्लीट हो गई। अब सेवन्थ रो में हम फिर से इधर सीधे फंदे बनाएंगे, दो तीन, पहले तीन थे अब चार हो गए, साइड में बढ़ते जा रहे हैं और इधर हमारे घटते जाएंगे, इधर जाली और फिर इधर हमने अब पहले तीन बनाए थे अब दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, दो और ये फिर ये बबल वाला बीच वाला और साइड में एक एक, इनका हम तीन का एक बनाएंगे, फिर आगे के दो फंदे सीधे, फिर हमारी जाली, फिर आगे के चार फंदे फिर सीधे। अब उल्टी लाइन में आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारी उल्टी रो जो कंप्लीट हो गई, अब फिर से हम सीधी रो में आएंगे, तो इसमें हम फिर से ऐसे सीधे फंदे बनाएंगे, दो तीन चार और ये पांच, पांच हो गए, फिर जाली, फिर आगे का एक फंदा बनाएंगे हम, पहले दो बनाए थे अब एक, और ये आगे तीन का एक बबल बनाएंगे हम। अब फिर से हमने पांच के एक फंदा बना देना है। पांच के एक बना दिए, फिर से हमने आगे का एक फंदा बनाना है और फिर जाली, फिर आगे हमने सीधे फंदे बनाने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये नौ फंदे हो गए हमारे बीच में, ये हमारे बीच में अब नौ फंदे हो गए, फिर जाली, फिर आगे का हमने एक फंदा बनाना है।
ये हमारे जो है डिजाइन के दो भाग चल रहे हैं, एक हमारा ये बनके तैयार हो गया और साइड में जाली और साइड में जाली और फिर बीच में जाली, हमारा एक ये हो रहा है और ये, और फिर आगे का हमने एक फंदा बना लिया और फिर तीन का एक बनाना है। फिर एक के हमने पांच फंदे बनाने हैं, एक दो तीन और दो जाली, पांच फंदे होंगे। फिर पांच का हमने एक, फिर आगे का एक फंदा बनाया, फिर जाली, फिर आगे के फिर हमने पांच फंदे जो है ऐसे सीधे बनाए। फिर हमने अब उल्टी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी अब उल्टी लाइन जो कंप्लीट हो गई, हमारा डिजाइन जो कुछ ऐसा दिखने लगा है इसकी तरह, तो अगली लाइन में हमने फिर से ये सीधे फंदे जो हैं हमने ये सीधे बना लेने हैं। और फिर इसके बाद जाली डाल ली और फिर अब हमारा जो है इधर कोई फंदा नहीं, हमने सीधा बनाना है। ये हमारे घटते घटते अब तीन फंदे बचे हैं, एक बीच वाला, तो साइड वाले हमने इन तीनों का एक फंदा बना देना है। ये हमने तीन का एक करके फिर बबल बना दिया। फिर हमारी अब आगे कोई फंदा नहीं बचा है सीधा बनाने के लिए, इधर हमारी जाली और फिर ये हमारे जाली के बीच वाले जो फंदे हैं ये हमने ऐसे सीधे बना लेने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। फिर हमारी इधर जाली आएगी, इधर हमारा कोई सीधा फंदा नहीं है। अब फिर से हमने तीन का एक करना है, ये बबल वाला तीन का एक और बबल बना देना। फिर हमने बबल जो है बना लिया। अब फिर हमारी इधर जाली आएगी और फिर आगे के जाली के आगे के हमने फंदे जो है सीधे बना लिए। फिर इसके बाद मैं आपको उल्टी लाइन बना के दिखाती हूँ। ये हमारी अब उल्टी रो जो कंप्लीट हो गई, ये हमारा अब ये ऊपर तक इधर तक हमारा जो है डिजाइन बनके तैयार हो गया। अब फिर से हम जैसे इसमें हमने ये बबल डाले हैं, अब हमारे इधर से ये स्टार्ट होंगे, ये वाली चीज जो हमारी इधर आ जाएगी। अब हम इधर बबल डालेंगे और इधर हमारी जाली आ जाएगी। तो हमने ये फंदे जो हमने ऐसे ही बना लेने हैं। आपने कैसे डिजाइन जो है शुरू करना वो मैं आपको बता रही हूँ। तीन चार पाँच और हमने अब पांच फंदे जो हमने ऐसे बनाए और फिर ये छः, फिर इसके बाद जो हमने ये सात वाला जो है जाली का ये बना लिया। फिर हमने अब इसके बाद ये जाली डाली, फिर जाली डाली हमने, फिर आगे का फंदा जो एक बचा था हमारा बबल वाला वो हम ऐसे बना लेंगे। फिर से इधर हमने जाली डाल दी और फिर से ये आगे के फंदे हमने बना लिए। इधर जाली डाली हमने तो एक दो तीन, तीन फंदे बनाए और चार पाँच, ये पांच फंदे बना लिए और पांच फंदे हमारे इधर एक दो तीन चार पाँच, और फिर ये हमारे ये बीच के फंदे जो हैं तीन, हम इनका बबल बनाएंगे। इसे इधर बनाए, अब इधर
ये दो हम पहले बीच वाला हम साइड में कर लेंगे, फिर तीन का एक बबल बना देंगे। ये हमने तीन का एक कर लिया, फिर आगे के फंदे में ऐसे सीधे बना लेने, एक दो तीन चार और एक पाँच। फिर हमने इधर जाली डालनी है, फिर एक फंदा बना लिया और फिर से जाली। जैसे हमने ये इधर जाली डाली, फिर एक फंदा बनाया, फिर से जाली, वो चीज़ अब हमारी इधर आ रही है, ये वाली चीज़ इधर आ गई। फिर से एक फंदा बनाया, दो तीन चार पाँच छः और सात, उल्टी लाइन में आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारा अब डिज़ाइन जो है ऐसे बनता जा रहा है। अब उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद हम फिर से सीधी में बताते हैं कि कैसे इसको आगे करना है। ये सीधे फंदे हमने ये सारे ऐसे सीधे बना लिए, और फिर इसके बाद हमने ये जाली डाल देनी है। अब ये जाली वाला फंदा जो हमने इसके साथ बनाना है। अब हमारे इधर फंदे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने इधर जाली वाले फंदे जो हमने इसमें बना लिए थे, तो इधर हमारे फंदे जो हैं बढ़ते गए। अब हमारे इधर जाली वाले फंदे इधर बनाने हैं, तो जाली से इस जाली से पहले हमने इधर जाली डाल ली, फिर आगे हमने ये जाली जो है इसके बीच हमने बनाते जाना है। अब इसके बाद हमने इधर जाली डाल ली और फिर हमने आगे के फंदे हमने इसे सीधे बनाए। एक दो तीन और ये चार, पहले पांच फंदे बनाए थे, अब चार। अब ये तीन का एक बबल बनाएंगे, जिसे नीचे बनाया है। ये बबल बनाने के बाद फिर से हमने आगे के चार फंदे जो सीधे बनाने, एक दो तीन और ये चार। फिर ये जाली वाला फंदा हमने फिर से इसके बीच में बनाना है, ताकि इधर हमारे जो फंदे बढ़ते जाएं। इधर जाली डाल दी, अब ये हमारे सीधे फंदे होंगे। अब इधर हमारी जाली और फिर हमारे ये आगे के सारे सीधे फंदे। अब उल्टी लाइन में आपको उल्टी बना के दिखाती हूँ। ये हमारी अब उल्टी रो जो है कंप्लीट हो गई। ये हमारा डिजाइन जो ऐसे बनते जा रहा है, ये हमारे अब साइड में ये फंदे हमारे ऐसे घटते जाएंगे और इधर हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। जैसे इधर पहले एक था, फिर तीन थे, अब पांच हो गए ऊपर फंदे हमारे ये, और इधर हमारे ये घटते जा रहे हैं फंदे। ये हमारे फंदे जो हैं ऐसे, अब इधर ऐसे डब्बी बनती जाएगी, जैसे हमारे ये फंदे ऐसे और ऐसे बनते गए हैं। जैसे ये हमारी डब्बी अब ये इधर से बनते जा रहे हैं और ये हमारी साइड में जाली जो है घटती जा रही है। अब ये हमारा जो ऊपर तक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर से हमने ये ऐसे नीचे का जो स्टार्ट किया वैसे ही हम एक फंदा बना के जाली डालेंगे। फिर से ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर बीच वाला हमने ऐसे बीच में डालना है, फिर साइड में डालना है। ऐसे ऐसे हमारे जो डिजाइन ऊपर तक बनता जाएगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।